देखो भाई, हम लोग जो मेवाड़ के अंदर एक महाराणा पढ़ते हैं, उनका नाम है महाराणा भीम सिंह। ठीक है, इसका नाम सुनकर के आप जो है कुछ और मत सोच लेना कि बहुत शक्तिशाली था और ये था, ऐसा नहीं था। अब मेवाड़ के वो जो परंपरा थी ना, कुंभाव, छांगा, राज सिंह, वो परंपरा का असर अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब ये थोड़े से कमजोर, अंग्रेजों से मदद मांगने वाले इस टाइप के महाराणा हैं वो सामने आ गए है ना। इनको मराठे लूट रहे हैं, इनको पिंडारी लूट रहे हैं। पिंडारी जानते कौन है? मराठों के यहाँ काम करने वाले है ना, पिंडारी जो है उनको इतिहास में मराठों के शिकारी कुत्ते कहा जाता है। पिंडारी उस फिल्म में भी थे, बाहुबली फिल्म में। हाँ, वो तो खैर गप थी। तो ये काम करते थे मराठों में, किसके यहाँ? इंदौर के राजा होलकर के यहाँ काम करते थे। और मराठे कहीं अटैक करते थे, उससे पहले पिंडारियों को भेजते थे एक दिन पहले। वो वहां जाके थोड़ी लूटपाट वगैरह करते थे और अव्यवस्था फैलाते थे, फिर मेन मराठा फौज अटैक करती थी। तो एक तरह से पिंडारी जो थे वो मराठों के आगे जाके लूटपाट करते थे। ठीक, एक तरह से डकैत टाइप के लोग मान लो आप पिंडारी। ठीक है, तो महाराणा को और सबको राजस्थान में पिंडारी परेशान कर रखे हैं, मराठों ने स्थिति खराब कर रखी। उस काल की ये घटना है, महाराणा भीम सिंह के समय की, जिसको हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं? कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है ना। हाँ, तो क्या मामला है कृष्णा कुमारी विवाद का? मेवाड़ के महाराणा हुए भीम सिंह, उनकी एक पुत्री जो अतीव सुंदरी थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर, अगर उस समय मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड होता तो ये सारे खिताब शायद जीत लेती, इतनी सुंदर थी। और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर कई राजा महाराजा उससे शादी करने को इच्छुक थे। तो उसी दौरान जो है जोधपुर की बात कर लेते हैं। सब जानते हैं जोधपुर में राठौड़ वंश का राज था, और जोधपुर का जो राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश में राजा था मान सिंह का बड़ा भाई है ना, और उसका नाम भी क्या था? भीम सिंह है ना। लेकिन ये भीम सिंह कौन से वंश का है? राठौड़ वंश का, जोधपुर का राजा है। और भीम सिंह का अपने ही छोटे भाई के साथ जो है विवाद चल रहा था, और छोटे भाई का नाम क्या था? मान सिंह। और मान सिंह जान बचाने के लिए जालोर के किले में, जिसको सुवर्णगिरी दुर्ग बोलते हैं, सब जानते हैं स्वर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित है ना। कहते हैं रावण को जो सोना दिया गया था मंडोर के राजा ने, मंदोदरी की शादी करते समय दहेज में दिया, वो सारा सोना जालोर की इसी पहाड़ी से निकला, इसीलिए इसका नाम स्वर्णगिरी पहाड़ी या सुवर्णगिरी पहाड़ी, और किला भी सुवर्णगिरी दुर्ग कहलाता है। तो जालोर के किले के अंदर मान सिंह जो है, कहते हैं 10 वर्षों तक जो है वो छिपा रहा। और इसी, जैसे मान लेते हैं ये जालोर का किला है और ये किला यहाँ बना हुआ है, इसके सामने एक पहाड़ी बनी हुई है, उस पहाड़ी पे यहाँ सिरे मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे सिरे मंदिर। और सिरे मंदिर जो है वो एक बहुत बड़े नाथ योगी हुए जलंधर नाथ जी, उनकी तपोभूमि थी। और जलंधर नाथ जी की वंश परंपरा में, गुरु परंपरा से चलते हुए शिष्यों में, उस समय सिरे मंदिर में जो महंत थे उनका नाम था आयस देवनाथ। बताओ क्या था? हाँ, आयस देवनाथ थे। वो बड़े सिद्ध तपस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने, कहते हैं, महाराजा मान सिंह को इस संघर्ष करते हुए देखा, और बाद में उन्होंने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी क्या की? कि जो है कुछ ही दिनों में ये भीम सिंह मर जाएगा और उसका छोटा भाई मान सिंह जोधपुर का राजा बनेगा। तो मान सिंह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपनी जान के लाले पड़े हुए, मेरे तो मैं तो अपनी जान बचा रहा हूँ भैया से, है ना, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, सिद्ध पुरुषों की बात गलत नहीं होती, सिद्ध पुरुषों की बात सही निकली, और इसको जो है सांप वाप काट गया और भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इससे कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सामंतों ने बुला करके किसको जोधपुर का राजा बना दिया? मान सिंह। लेकिन हम जानते हैं कृष्णा कुमारी जो थी, ये मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी? भीम सिंह की। इसकी सगाई पहले किससे हुई थी? जोधपुर के भीम सिंह से। यदि शादी का कार्ड हम देखें तो उसमें क्या आएगा? कृष्णा कुमारी डॉटर ऑफ भीम सिंह, वेड्स भीम सिंह। ठीक है, कृष्णा कुमारी थोड़ा सा पक्ष में नहीं थी शादी के। कृष्णा कुमारी ने कहा कि पापा, मान लो कल को शादी होती है और मैं उसको प्यार से बोलती हूँ भीमू इधर आना, है ना, हाँ, तो लोग क्या कहेंगे? शर्म लाज नहीं है, अपने बाप का नाम है ना, और ऐसे बोल रही है। और पापा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, भीम सिंह नाम से मेरा थोड़ा पिता वाला जो फीलिंग आती है ना, पति वाली फीलिंग ही नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी इस भीम सिंह से शादी करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उनकी फिर भी क्या हो रखी थी? सगाई हो रखी थी। धीरे धीरे कृष्णा कुमारी भी सेटल हो गई और दोनों फोन पे काफी बात करते थे, जियो टू जियो फ्री, है ना। तो लेकिन आप जानते हो होनी को कुछ और मंजूर था। सिद्ध योगी आयस देवनाथ जी की भविष्यवाणी के अनुसार भीम सिंह की मृत्यु हुई और कौन राजा बन गए? तो जोधपुर में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई।
इन सारी स्थितियों में कृष्णा कुमारी का दिल टूट गया, भीम सिंह सगाई वाला मर गया, तो कृष्णा कुमारी के पिता भीम सिंह थे, उन्होंने कहा यार छोड़ो जोधपुर को, है ना बेटा लकी नहीं है तेरे लिए जोधपुर, ऐसा करते हैं लेटेस्ट मेट्रो सिटी में तेरी शादी करते हैं। तो सब जानते हैं कछवाहा वंश की राजधानी कौन सी थी, और उनके जो राजा थे उनका नाम था जगत सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह जो थे इनके साथ कृष्णा कुमारी की सगाई की बातचीत होने लगी, लेकिन ये बात नए राजा को पता चली जो कि कौन थे, जोधपुर के मानसिंह। मानसिंह ने इनको जो है मैसेज किया, है ना व्हाट्सएप पे, क्या कि जब सगाई राठौड़ वंश में हुई है तो किसी भी स्थिति में इस लड़की की शादी अब दूसरे वंश में नहीं हो सकती, ये हमारे लिए अपमान की बात है ना। दूसरा भीम सिंह तो एज में भी ज्यादा था मुझसे, मैं नया राजा भी हूँ और यंग भी ज्यादा हूँ, ठीक है, स्मार्ट भी मैं ज्यादा हूँ, है ना। तो किसी भी प्रकार से कृष्णा कुमारी की शादी उधर नहीं हो सकती, किससे होनी चाहिए, नहीं तो हम मेवाड़ के ईंट से ईंट बजा देंगे। सबसे पुरानी रियासत राजस्थान की, टोटल 19 रियासतों में भले ही मेवाड़ हो लेकिन सब जानते हैं सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत वो कौन सी थी, मारवाड़। और मारवाड़ वाले जो थे वैसे ही थोड़े से मारवाड़ी में बोलते हैं लड़ोकड़े टाइप के, है ना, वेरी ऑफेंसिव उस नेचर के थे। राठौड़ वंश के योद्धाओं की उपाधि थी रणमंका राठौड़, यानी रण के मामले में, लड़ाई के मामले में बाकी सब उनसे पीछे थे, है ना। तो जोधपुर वालों ने धमकी दे दी, कह गए उधर हुई सगाई तो ठीक है, लेकिन सब जानते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत भले ही मारवाड़ थी लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जयपुर वाली थी। तो इनको जो है भीम सिंह ने फोन किया कि साहब वो आपसे सगाई नहीं करने दे रहा है, और ये अंडे बंडे वाले लोग थे आप जानते हो, ढूंढड़ी भाषा सुनी होगी, है ना। हाँ, तो जगत सिंह ने क्या कहा, ना इस लड़की की सगाई तो अंडे ही होगी, बंडे नहीं होगी, है ना, जोधपुर में नहीं होगी, ठीक है ना, आपको ये बात हो छे, है ना। तो इस प्रकार ही ना, तो भीम सिंह ने कहा देखो ऐसा है, तुम दोनों ही मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, मुझे तो दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों निपट लो आपस में, जो जीत जाए वो आ जाना, मैं ब्याह कर दूंगा, ठीक है। तब इन्होंने कहा यार ये मामला ठीक लग रहा है। तो दोस्तों अगर लड़कियों के लिए लड़ाई करनी हो तो नागौर जिले से अच्छा और कौन सा जिला हो सकता है, है ना। हाँ, इसलिए ये लड़ाई कहाँ होगी, जयपुर की सेनाएं जगत सिंह के नेतृत्व में और जोधपुर की सेनाएं मान सिंह के नेतृत्व में, नागौर जिले की परबतसर तहसील का एक गांव पड़ता है ना, क्या नाम है, डाबर हिंगोली नहीं, गिंगोली, गिंगोली गांव में ये सेनाएं जो इकट्ठे हुई 1807 की ये घटना है। और लेकिन जयपुर वाले आप जानते हो थोड़े बेईमान टाइप के तो होते ही है ना। जोधपुर वाला बेचारा एक अपनी सेना लेके आया जोधपुर की, लेकिन जयपुर वाले बेईमानी करते हुए साथ में और किसकी सेनाएं लिया है, टोंक के नवाब की सेनाएं लिया है। हालांकि टोंक अभी तक बना नहीं, क्योंकि टोंक का निर्माण राजस्थान के लिए है एक खतरा, और साल है 1800, और सब जानते हैं टोंक का पहला नवाब होगा अमीर खां पिंडरी। तो टोंक के जो रियासत बनेगी उसके होने वाले नवाब अमीर खां पिंडरी को अपने साथ लेकर के आ गए हैं। और मैंने राजस्थान का इतिहास इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते हुए, इससे ज़्यादा कमीना इंसान मैंने पूरे इतिहास में नहीं देखा है अमीर खां पिंडरी से। आप पूछोगे क्यों, तो अभी देखो सुनना आप क्यों, ठीक है। ये आदमी पैसों की वजह से किसके पक्ष से आया था, जयपुर के पक्ष से आया था, जगत सिंह के पक्ष में आया था। और आप जानते हो मारवाड़ की बेचारी की अकेली की सेना है जोधपुर की, और उसके सामने दो दो राजाओं की सेना लड़ी, एक तो जयपुर वाली भी लड़ी और टोंक के अमीर खां पिंडरी भी लड़ा, ठीक है। तो ये सेनाएं थोड़ी सी क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इस युद्ध में किसकी हार हो गई, मान सिंह की हार हो गई। मान सिंह ने भी लेकिन कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मान सिंह ही गिंगोली के युद्ध में हार करके जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ उसके अंदर जाकर के अंदर से गेट बंद करके, और उन्होंने कहा कि शादी तो मैं ही करूंगा, है ना। जगत सिंह को समझ में आया अरे हार गया तो भी ऐसा क्यों कह रहा है। तो जयपुर की सेनाओं ने वापस जयपुर जाने की बजाय क्या कर लिया, मेहरानगढ़ के दुर्ग को उन्होंने घेर लिया और मान सिंह को मारने का उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। मान सिंह का जोधपुर का सबसे बड़ा सामंत, जोधपुर का जैसे मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना है ना सलूम्बर, वैसे मारवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना है जैसलमेर जिले में स्थित पोकरण, और वहाँ का जो ठाकुर था सवाई सिंह चापावत वो मान सिंह का घोर शत्रु हो गया। और वो भी किधर मिल गया, सवाई सिंह चापावत भी
ये भी जो है जयपुर की सेना के साथ जो है वो मिल गया और इसने भी इनकी सहायता जो है जोधपुर की नहीं की, उल्टा शत्रुओं के साथ मिल गया। कहते हैं महाराजा मान सिंह की रानियों को तोपों का संचालन करना पड़ा और बड़ा भयंकर ये जो युद्ध हुआ। एक बार तो ऐसा कहते हैं कि लगभग जोधपुर किले के अंदर ये अंदर चले ही गए थे, है ना, लेकिन कहते हैं मेहरानगढ़ के उसकी रक्षा करते हुए वहाँ पे एक कीरत सिंह सोडा नाम का योद्धा था, है ना। अगर आप कभी जोधपुर का किला देखने के लिए जाएं तो मेहरानगढ़ के अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में सबसे पहले एक छतरी बनी हुई जिसको करोड़ रुपए की छतरी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो कीरत सिंह सोडा था। उसने अकेले ने अपनी वीरता के दम पे अपना बलिदान देकर के जोधपुर किले के गेट खुलने से टूटने से बचा लिए। तो महाराजा मान सिंह ने स्वयं उसकी छतरी अपने हाथों से वहां पे बनवाई है और उसने महाराजा मान सिंह नीचे एक दुआ भी लिखा है ना, कीरत नग करोड़ी जड़ियो गढ़ जोधाण रे, यानी करोड़ रुपए के हीरा जैसे अंगूठी के अंदर सुशोभित होता है वैसे मेहरानगढ़ रूपी इस अंगूठी के अंदर कीरत सिंह सोडा की छतरी करोड़ रुपए के हीरे के समान जो है वो दिखाई देती है। तो कीरत सिंह सोडा की वीरता कारण जो है ये किला बच गया, जयपुर की सेना किले को भेद न सकी। तभी महाराजा मान सिंह का एक जो है सेनापति था, इसका नाम था इंद्रराज सिंघवी ने इनसे कहा कि महाराज आप एक बात पे गौर किया आपने, उन्होंने कहा वो क्या कि अमीर का पिंडारी जो है ये कोई वफादार आदमी थोड़ी है, ये तो पैसों के लिए है, आप पैसे दो आपकी तरफ से जो है। तो उन्होंने कहा तू बात कर इससे, तो इन्होंने अमीर खां पिंडारी से बात की। अमीर खां पिंडारी ने कहा मुझे कोई जयपुर से लेना देना थोड़ी है, उन्होंने तो मुझे दो खोखा दिया है, दो खोखा, खोखा समझते हो करोड़, है ना, दो खोखा उन्होंने दिया है। तो जोधपुर महाराज ने कहा मैं तुझे तीन खोखा दूंगा। तो दोस्तों अमीर खां पिंडारी मैंने बताया ना बहुत कमीना इंसान, ये हाथों हाथ पाला बदल करके और जयपुर की साइड छोड़ करके किस तरफ आ गया, ये जोधपुर के पक्ष में आ गया। और जोधपुर महाराजा मान सिंह ने इससे कहा कि ऐसा कर तू यहाँ से छोड़ और जयपुर को लूट, है ना, इन्होंने हमारे यहाँ के महिलाओं को मान लेते हैं दो दो रुपए में बेचा, तू उनको 50-50 पैसे में बेच यहाँ की महिलाओं को अपमान का बदला लेवा जा करके। तो बेचारी महिलाएं जो देखो परेशान हो रही है ना, परेशान करती भी हैं तो परेशान होती भी हैं, है ना, कर्म नियम है ये। तो अमीर का पिंडारी जो था वो यहाँ से चला गया और उसने जाके कौन से शहर को लूटना शुरू कर दिया, जयपुर को। अगर आपके घर में आग लगी हुई है तो आप कहीं विजय करने जाओगे, घर बचाने जाओगे? तो इसीलिए जगत सिंह मेहरानगढ़ का घेरा छोड़ करके और कहाँ चले गए, वापस जयपुर चले गए। इस बार जोधपुर का जो संकट था वो टल गया, लेकिन प्रश्न अभी भी यथावत है, कृष्णा कुमारी से शादी कौन करेगा। ठीक है, जगत सिंह ने कहा अगर उससे की तो मैं अटैक कर दूंगा, मान सिंह ने कहा उससे की तो जोधपुर की सेना अटैक कर देगी, बेचारे मेवाड़ महाराणा भीम सिंह परेशान। ठीक है, तब फिर क्या हो, तो उन्होंने जो है अमीर खां पिंडारी को फिर एक खोखा दिया मान सिंह ने, और मान सिंह ने कहा कि देखो है ना कृष्णा कुमारी की शादी मुझसे करा दो, तीन खोखे में दे चुका हूँ, एक खोखा और ले लो। तो ये दुष्ट अमीर खां पिंडारी जो है कहाँ धमका, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को उसने अपनी सेना लेकर के धमकाया और कहा कि इसी लड़की की शादी कहाँ कर दो, जोधपुर के मान सिंह ने कर दो। तो इसने महाराणा कहा यार मैं उधर करूंगा तो ये अटैक कर देगा जयपुर वाला, है ना, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम को। तब उसने कहा कि साहब देखो ऐसा है, एक खोखा आप दो तो मैं आइडिया दे सकता हूँ आपको, है ना। माणन का ले बड़ ये ले खोखा, है ना। तब उसने कहा सारी लड़ाई की जड़ है ये लड़की कृष्णा कुमारी, क्यों ये सुंदर हुई इतनी, किसने कहा था इसको, बचपन से क्यों फेयर एंड लवली लगा लगा करके जो है ऐसा हुई, है ना, थोड़ा नहीं ध्यान देती खुद पे। ठीक है, तो इसी को जो है मरना पड़ेगा तभी समस्या का अंत होगा। महाराणा की आंखों में आंसू आ गए सुझाव सुन करके, लेकिन एक तरफ हजारों लोगों का मरना था और एक तरफ उनको अपनी पुत्री का बलिदान देना था। तो कहते हैं एक अजीत सिंह नाम का व्यक्ति था, अजीत सिंह शक्तावत, अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह शक्तावत जो थे इन्होंने कृष्णा कुमारी को जो है जहर पकड़ाया और इसने अपने हाथ से हजारों लोगों को मरने से बचाने के लिए इस वीर राजकुमारी ने जिसका नाम क्या है, इसने अपने हाथ से, आप अगर कभी उदयपुर जाएं तो उदयपुर में पिछोला झील बनी हुई, पिछला झील के किनारे एक बड़ा सारा सिटी पैलेस बना हुआ है, उसी सिटी पैलेस में एक महल है जिसका नाम है कृष्णा विलास महल और उसी महल में कृष्णा कुमारी ने अपने हाथों से जहर का प्याला पी के अपनी यह लीला को समाप्त कर लिया ताकि हजारों लोग मरने से बच जाएं। ठीक है, तो इतना दुष्ट व्यक्ति कौन है, अमीर खां पिंडारी। कृष्णा कुमारी के मरने के बाद दोनों राजाओं को जब पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, है ना, वो दोनों राजकुमारी की वीरता की प्रशंसा, अब मरने के बाद अब क्या है,
है ना, अच्छे दिन पाछे गए हरीसों कियो न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कृष्ण कुमारी तो रही नहीं, उसकी नश्वर देह यहाँ से चली गई, आत्मा जरूर स्वर्ग चली गई होगी, सु कार्य करने वालों की आत्मा स्वर्ग को जाती है। अब देखो अमीर खां पिंडारी को, इसके बाद अमीर खां पिंडारी बेरोजगार हो गया, तो जोधपुर महाराजा के घोर शत्रु, उसके खुद के सबसे बड़े ठाकुर जो पोखरण का ठाकुर था, उसका नाम क्या था, सवाई सिंह चापावत, उसने इससे कहा कि देख मैं तो आधा खोखा दे सकता हूँ तुझे, तुम मेरा एक काम कर, महाराजा मान सिंह से मैं बदला लेना। तो मान सिंह को सबसे ज्यादा प्रेम अपने गुरु आयस देवनाथ से है, यदि तू उसको मार दे तो आधा खोखा दूंगा। वो संत जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। ये दुष्ट अमीर खां पिंडारी गया और इसने जाकर के महान संत आयस देवनाथ को मरवा दिया। किसके कहने से? ऐसा काम करवाने वालों का अंत भी बुरा होता है। बाद में इस सवाई सिंह की खुद की भी हत्या हुई है ना, हाँ, लेकिन संत आयस देवनाथ को जो है मरना पड़ा। अब बताओ मराठों और पिंडारियों की लूट से तीनों रियासतें त्रस्त है कि नहीं है? तीनों रियासतें त्रस्त हैं, और ये सहायता के लिए किसकी ओर देख रहे हैं? अंग्रेजों की ओर। आप सबको याद करने में बड़ी आसानी होगी, कृष्णा कुमारी तो चली गई लेकिन हमारा भला कर गई, हमें अलग से रियासतों में ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मारवाड़ में किसने अंग्रेजों के साथ संधि की, कि मेवाड़ में किसने की, कि जयपुर में किसने की। कृष्णा कुमारी विवाद के जो तीन राजा हैं वो याद कर लो, आपको अपने आप याद हो जाएगा उन्हीं राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों में किस साल हुई अंग्रेजों के साथ ज्यादातर संधि, 1818 के अंदर है ना, 1818 के अंदर। तो बताओ मेवाड़ की ओर से 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला महाराणा कौन होगा? भीम सिंह। बताओ जोधपुर में राजा कौन होगा? मान सिंह। और बताओ जयपुर में राजा कौन होगा? तो कृष्णा कुमारी आपका भला करके गई कि नहीं गई? कृष्णा कुमारी विवाद नहीं होता तो आपको अलग से याद करने पड़ते हैं सारे राजाओं के नाम। अब आपको राजस्थान में जो तीन सबसे बड़ी रियासतें हैं, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़, उन तीनों के वो राजा याद हो गए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 में जो है संधियां की थी। ठीक है, थैंक यू सो मच।